मैम, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दो तगड़ी टीमें फाइनल के मैदान में उतर चुकी हैं। एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी विमेन, एज अ पाकिस्तानी यूथ, आपकी सपोर्ट किसके साथ है? इंडिया के साथ। आपकी? इंडिया के साथ। आपकी? इंडिया है। आपकी? ऑब्वियसली इंडिया। अच्छा, टीम इंडिया ना सिर्फ इंडिया में फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है, बल्कि पाकिस्तानी भी इस दफ़ा चाहते हैं कि यार वर्ल्ड कप इंडियंस ही ले जाए। हर दफ़ा अंग्रेज ले जाते हैं। बिल्कुल, आई लव विराट कोहली। विराट कोहली की तो पूरी पाकिस्तानी गर्ल्स फैन है। क्या वजह है भाई? रोहित शर्मा भी है, जसप्रीत बुमराह है, बड़े प्यारे प्यारे प्लेयर्स हैं। और भी नहीं, उसकी फिटनेस, फिटनेस उसने अपने आप को फिट किया है। ठीक है, खेल रहे अभी तक। अभी तक खेल रही है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया को ही मिलेगी। जितने अच्छे उनके प्लेयर्स हैं, तो इंडिया की ट्रॉफी जो है वो डिजर्विंग है। वो डिजर्विंग है, बिल्कुल। वो माय नेबर कंट्री है। नेबर कंट्री है। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं। अभी पेपर दिए। और आप? टेंथ के। टेंथ के। पाकिस्तान का उभरता हुआ यूथ है, एशिया को सपोर्ट कर रहे हो, इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके आपको स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता है इंडिया दुश्मन मुल्क है, उन्हें सपोर्ट ना करो? नो नो, हमारा नेबर कंट्री है और हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कोई हेट नहीं पढ़ाया जाता। हमेशा इंडिया के बारे में अच्छा बताया जाता है कि हमारी नेबर कंट्रीज अच्छी हैं और सब है। कभी हमें कभी किसी ने हेट नहीं बताया। फिर आपका स्कूल तो बहुत अच्छा, और आपका क्या एक्सपीरियंस अबाउट इंडिया? बहुत अच्छा, हमारी नेबर कंट्री है, हमें उसे प्यार देना चाहिए। और जैसे वो खेल रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। हाँ। तो हमारी की विश है कि वो वर्ल्ड कप जीते। अब विश है। रोहित शर्मा जब इंग्लैंड को हराते हैं तो वो रोते हैं, और विराट कोहली उनको चुप करवाते हैं, तो वो कैप्टन कैसा आपको महसूस हो रहे हैं? एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छे हैं। लाइक आप उनको एक एज अ फ्रेंड और ब्रदर एक उनको एक एडवाइस दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत क्यूट चीज़ लगती है। और बहुत इंसान थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाता है, सही में इमोशनल हो जाता है। और जिस तरह से वो मुंह नीचे करके रो रहे थे कि मैं अपनी टीम को फाइनल तक ले आऊं। इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, मेहनत करती है, जान लगाती है। हमारी दुआएं तो ये है कि कप वो ले जाए इंशाल्लाह, और जो मेहनत करेगा उसी को ट्रॉफी मिलेगी, और इंशाल्लाह इंडिया मैच जीतेगा इंशाल्लाह। 10 साल बाद ट्रॉफी आएगी। अच्छा, इंडियन क्रिकेट की बात करें तो फेवरेट बैट्समैन या बॉलर कौन है आपका? विराट कोहली। फॉर श्योर विराट। क्यों पसंद है लड़कियों को विराट? बस विराट की लुक्स, और खेलता बहुत अच्छा है विराट। विराट के फिर किंग है। एग्जैक्टली, आपको भी वो पसंद है। इस दफा तो विराट परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या कहोगी विराट? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी इंसान की लक नहीं चलती, बट हमेशा उसने अच्छा परफॉर्म किया। एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एज अ पर्सन कैसे अच्छा है? क्या चीज उनकी आपको बहुत अच्छी लगी? जिससे वाइफ के साथ इतना स्वीट है, उनके जो मैचेस के क्यूट मोमेंट्स होते हैं वो बहुत क्यूट होते हैं, एडमायरिंग होता है, बहुत अच्छा है। बेसिकली टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलता है, जो उसकी बहुत अच्छी बात है। वाइफ के साथ क्यूट, बिल्कुल। तो आप भी ऐसे ही शोहर चाहेंगी? फॉर श्योर, कौन नहीं चाहेगा? विराट जैसा हस्बैंड है? यस नो। बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां इंडिया से जो आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देगी? बड़ी दुनिया देखती है हमारा चैनल, बड़ा प्यार करते हैं इंडियंस हमें। जैसे यहाँ पे और वहाँ के लोग सेम है, कोई भी यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं चाहता, हर कोई पीस चाहता है। तो हमारी दुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का जल्दी सब सही हो जाए, और हमारी सारी हेट हमारी सारी हेट खत्म हो जाए, और हमें वहाँ जाने का मौका मिले। इतनी अच्छी अच्छी खाने और जगह इंडिया की बहुत प्यारी है, और खाने उनके बेस्ट है। शातिर लड़की इंडिया के खानों पे नजर है। लोहारियाँ लोहारियों के तो फिर खाने ही होते हैं ना। खाने आपके किस पे नजर है? मेरे उधर की जो ड्रेसिंग है, उधर की जो कुर्ते, उसके खाने, आई एम सो लव विद दैट, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर वीजे खुल जाए इंशाल्लाह, खुल जाए, प्यारी प्यारी लड़कियाँ इंडिया जाएंगी है इंशाल्लाह, वीजे खुल जाए। बस कोई विराट तो नहीं ढूंढ लाएंगे? किस्मत नहीं, किस्मत किस्मत किस्मत, मतलब सर्च जारी रहेगी इंशाल्लाह। चले, बेस्ट विशेस दे दे टीम इंडिया, बेस्ट ऑफ लक इंडिया, बेस्ट ऑफ लक इंडिया। कौन पसंद है जिस पे दिल आया हुआ है? सिराज, मोहम्मद सिराज। आप? विराट कोहली। विराट कोहली, अगर आप ये शो देख रहे हैं भाई, पाकिस्तान में फेमस, ऑलवेज विराट कोहली, विराट कोहली। मैम, इंडिया की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इंग्लैंड को जिस तरह से इंडिया ने हराया, इंग्लैंड भी बड़ी पावरफुल टीम है। 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को आउट कर दिया था, इंग्लैंड ने वो भी बदला, इंडिया ने बदला लिया इंग्लैंड से, इंग्लैंड को सेमीफाइनल से आउट किया। ये जो वर्ल्ड कप है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, लेकिन इंडिया को कोई टीम नहीं पकड़ पा रही। कोशिश तो है कि ना पकड़े, लेकिन
एंड पे आके उनके साथ फाइनल में होती तो बुरी है। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया करता था, वो भी बाहर, इंग्लैंड भी बाहर, तो साउथ अफ्रीका तो खुद फर्स्ट टाइम आया है, तो क्या वो फाइनल का प्रेशर ले पाएगा? इंडिया में आपको पता है बड़ा क्रिकेट शौक से देखते हैं, फर्स्ट टाइम आया, लेकिन चांस तो है ना उसका, तुक्का लग सकता है, तुक्का लग सकता है। अच्छा, इस वक्त आपका तजर्बा क्या कहता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी स्ट्रीक मेंटेन किया, 7 के 7 मैच जीते हैं, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं, बड़ा प्रेशर डाला उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स पे, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली जैसा अगर कैप्टन इंडिया के पास है तो क्या वो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को ले जाने देंगे? उनके वैसे फिलहाल बॉलर्स चल रहे हैं, बैट्समैन चल नहीं रहे, बॉलर चल रहे हैं इंडिया के, यस यस यस, तो अगर उनके इस दफ़ा बैट्समैन भी चल जाएँ तो शायद ले जाएँ, शायद है, तो मुकाबला सख्त है जी। दिल क्या कहता है, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप पकड़ेगा या इंडिया? इंडिया, इंडिया पकड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक इंडिया, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दैट यू पिक द वर्ल्ड कप। फाइनल में किसको सपोर्ट कर रही हैं, इंडिया या साउथ अफ्रीका? ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा ये जो वर्ल्ड कप है वो एशिया में आना चाहिए। क्या बात, हमेशा जो है फॉरनर्स फॉरनर्स ले जाते हैं, तो इस दफ़ा क्योंकि इंडिया कोई मैच नहीं हारा और काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग टीम है, ख़ास तौर पे जो उनके स्पिनर्स हैं वो उनको फेस करना हर टीम के लिए मुश्किल हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इंडिया ही जीतेगा और हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं फाइनल में? मैं भी इंडिया को ही सपोर्ट करूँगी, ऑब्वियसली उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पटेल बुमराह ऐसे फास्ट स्पिनर्स हैं उनके पास, सो आई फील लाइक इंडिया शुड विन और इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। चलिए जी, आपकी सपोर्ट इंडिया के साथ है। इस दफ़ा जो 2024 में इंडिया ने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह इन्होंने बात की कि उनकी बॉलिंग की इस दफ़ा बड़ी तारीफ हो रही है, मैम कितना वो मेहनत करें, उन्होंने अपनी टीम को और अपनी क्रिकेट को कितना ग्रो कर लिया है? बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है, कि अभी अगर कहा जाए ना कि ऑनेस्टली तो इंडिया ही को विन करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक परफेक्ट टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इस वक्त जितने भी वर्ल्ड कप में टीम्स थी उसमें सब पे टॉप पे इंडिया ही जा रही है, और इंडिया जितना स्कोर भी किसी ने नहीं किया, और इंडिया हारा भी नहीं किसी से, इंडिया हारा भी नहीं किसी से, और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका भी नहीं हारा, नहीं हारा, लेकिन साउथ व्हेन वी विल कंपेयर टू साउथ अफ्रीका विद इंडिया, तो इंडिया इज़ बेटर, इंडिया इज़ बेटर परफॉर्मिंग। आप क्या कहेंगे अगर कैप्टन की बात करें, मैच जीतने के लिए कैप्टन का दिमाग सही टाइम पर इस्तेमाल होना, टीम को बनाए रखना, रोहित शर्मा ये मैजिकली कर पा रहे हैं, अच्छे अच्छे बॉलर्स, अच्छे अच्छे बैट्समैन, अच्छे अच्छे जो है ना कहते हैं ना कि वो सारी टीम को अच्छा अच्छा ही बना दिया और बड़े बड़े टीमों को टक्कर दे रहे हैं, कोई उन्हें पकड़ नहीं पा रहा। जाहिर सी बात है रोहित शर्मा की नज़र भी आ रहा है, लाइक ही इज़ वो हर चीज़ के अंदर परफेक्ट है, उनको पता चल रहा है कि कौन से प्लेयर को किस वक्त भेजना है, अपनी टीम को किस तरह से कंट्रोल रखना है, अगर कोई ऐसे आता है जब बहुत प्रेशर हो तो किस तरह से प्रेशर कम करना है, तो कैप्टन का भी बहुत ज़्यादा रोल है उसके अंदर, रोहित शर्मा तो बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कल तो वो रो भी दें जी, रोए हैं सच में, बिल्कुल। मैम हमारे कैप्टन में वो चीज़ क्यों नहीं है जैसे बाबर आजम, या हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट को बड़ा प्यार किया जाता है, सिर्फ एक ही तो गेम हमारे पास रह गया, लेकिन इतनी बैड परफॉर्मेंस की अवाम अब कहती है कि भाई छोड़ दो, इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। मुझे जो फ्लॉ नज़र आता है ना वो यूनिटी का नज़र आता है, इनमें टैलेंट सब में है, लेकिन एक एक जो लीडर होते हैं जेलस होते हैं, एक जो ले के चलना, जब वो एक पार्टीज में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, उसकी वजह से ये है कि ट्रू परफॉर्मेंस आती नहीं, डिवाइड एंड रूल चल रहा है, जिसकी वजह से यूनिटी की ना होने की वजह से ना कि ये पीछे गए हैं, अदरवाइज दे कुड हैव बन, चाम नहीं रहा हमारी क्रिकेट का, चाम नहीं रहा, इंडिया की क्रिकेट जो है फ्लोरिश कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है इंडियन टीम को प्रेफरेंस मिली है, बड़ी बड़ी बातें करने वाली टीमें घर पहुंच गई, जो इंडिया को मीडिया में चैलेंज कर रही थी कि आपको हराने के लिए आएँ, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो साइलेंटली ग्राउंड में खेलते रहे हैं और अपना डंगा बजाते रहे हैं, एक आउट हो गया दूसरे, उनका हर प्लेयर लास्ट बॉल तक खेलता रहे, लेकिन हमारी अगर बात हो जाए, अगर दो ओपनर या मिडल ऑर्डर आउट हो जाए, सारे के सारे लाइनें लग जाती हैं पीछे, ऐसी बात है। इधर फॉर पाकिस्तान टीम मैं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर ज़रा सा एक प्लेयर आउट होता है तो उनको उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है और फिर उस लिहाज से बाकी प्लेयर्स भी बुरा खेलना शुरू हो जाते हैं। इंडिया की टीम में ये है कि एक आउट भी होता है लेकिन तो वो प्रेशर अपने आप के ऊपर नहीं आने देते, वो फिर भी अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर वो प्रेशर के अंदर अपना बेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाते, ये पाकिस्तान टीम में है। इस वक्त हमारे चैनल को इंडियन ऑडियंस भी देख रही है, तो मैम क्या पैगाम देंगी इंडियंस को? इंडियन के लिए मैं यही पैगाम दूंगी कि क्योंकि इंडियन टीम ने बहुत ज़्यादा
इसमें स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है और बहुत परफॉर्म करके आगे आए हैं. तो ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेज फॉर इंडिया एंड आई थिंक इंडिया विल बी द विनर. I would like to say the same thing. Good luck to India and I hope the trophy comes in our continent. किसको सपोर्ट कर रही हैं फाइनल में? इंडिया. इतनी जल्दी? क्यों जी कहा था? सवाल पूरा करने का भी मौका नहीं दिया. इंडिया को सपोर्ट करी है. मैम इंडिया के क्रिकेट की बात करें, इस दफ़ा इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में कितना एंटरटेन किया, कितनी ज़्यादा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही. रोहित शर्मा वन एंड ओनली जो है बड़े ज़बरदस्त मैच खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे रहे हैं. एज अ पाकिस्तानी ब्यूटीफुल गर्ल क्या कहेंगी? वैसे तो मुझे बेसिकली विराट कोहली ज़्यादा पसंद है, लेकिन लेकिन रोहित शर्मा ने इस बार काफ़ी अच्छी सपोर्ट की है और मैं यही चाहती हूँ कि इस बार एशिया ही वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि इंडिया तो सी जीते, इंडिया तो जीत जाए. अच्छा, साउथ अफ्रीका को भी हराया कोई नहीं है और 7-7 मैच जीते, अभी 8वां मैच है. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया साउथ अफ्रीका को भी टाटा बाय बाय बोल देगा? मेरा तो यही है कि इंडिया ही जीते, क्योंकि उसमें बीच में विराट कोहली है. आप विराट कोहली को उदास होते नहीं देखना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुश होते देखना चाहती हैं जी. देखिए 200 पाकिस्तानी लड़कियां फुल सपोर्ट कर रही हैं इंडिया को. यस, क्योंकि उसमें विराट है. बिल्कुल. चले फिर कह दे कि इंडिया कप जीत गया और प्यारी प्यारी लड़कियां इंतजार कर रही हैं. इंडिया यू विल विन द कप एंड यू विल विन एशिया कप. और कहे ना प्यारी प्यारी लड़कियां, प्यारी लड़कियां क्या, प्यारी प्यारी लड़कियां, प्यारी प्यारी लड़कियां वेट कर रही हैं वर्ल्ड कप का कि वो एशिया जीते. चलें जी, आज 200 मुझे बड़ी ज़बरदस्त सी, शानदार सी, एनर्जेटिक सी. क्या लगता है कि इस दफ़ा ट्रॉफी एशिया में रहेगी या गोरे ले जाएंगे? क्यों गोरे ले जाएंगे, एशिया में रहेगी इंशाल्लाह. कौन फिर आएगा? हमारी दुआएं एशिया के साथ हैं, गोरों के साथ नहीं है. गोरों के साथ कोई दोस्त? लेकिन मैं गोरों के मुल्क से आई हूँ, मुझे नफरत है. किस मुल्क से आई? मैं यूके से आई हुई हूँ. अच्छा, यूके से आए. तो अगर इंडिया जीतता है तो आप खुश हैं? नहीं. तो फिर एशियन तो इंडियन ही है. हाँ, इंडिया जीत जाए लेकिन गोरे ना लेके जाए, गोरे ना लेके जाए. मैम इस दफ़ा अगर इंडिया के क्रिकेट देखिए, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को भी हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, इंग्लैंड को भी हरा दिया, ये अपने आप में बड़ी टीमें हैं, लेकिन इंडिया को कोई भी पकड़ नहीं पा रहा. तो क्या वजह लग रही है? उन्होंने अपने क्रिकेट पर बड़ी मेहनत की है या रोहित शर्मा जैसा उनके पास बेहतरीन कैप्टन है हर एक को बहुत हाई मार्जिन से हरा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, उनकी जो एक तो उनकी जो है ना जो टीम की वो कोचिंग है वो बहुत अच्छी है. ठीक है, तो इस वजह से वो जीतते हैं हमेशा और जीतते आएंगे. जीत रहे और जीतते आएंगे. मैम अब यूके से आई हैं, हमने सुना यूके में बड़े इंडियंस रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं और इंडियंस की बड़ी रिस्पेक्ट होती है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, लेकिन अगर पाकिस्तानी उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती. आप यूके से हैं तो क्या ये जो हम सुनते हैं पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इक्वल हैं? ठीक है, यूके में, यूके में. और अच्छी जॉब्स किसको ऑफर होती हैं? देखिए, गोरा जो है ना वो आपको कभी ऊपर नहीं आने देगा. आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको वो कभी हाई लेवल पे नहीं आने देगा. अगर पाकिस्तानी एक बच्चे के पास डिग्री हो और एक इंडियन है उसके पास डिग्री हो, तो इंडियन डिग्री को यूके में ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है या पाकिस्तानी डिग्री को? इंडियन को. इंडियन को मिलती है, मतलब उनका एजुकेशन इतना बेहतर हो गया है. असल में उनकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है. ठीक हो गया. हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट उसके ऊपर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक हो गया. लेकिन जो इंडिया है, क्योंकि उनकी एजुकेशन थोड़ी सी इंग्लिश में ज्यादा, उनके सब्जेक्ट बड़ी बेहतर, इंग्लिश अच्छी है. हाँ. ये वजह. और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि हमारे लिए अलमिया है कि वो थोड़े हार्ड वर्किंग है. हाँ. और हमारे पाकिस्तानी थोड़े से काम चोर है. इस टाइम जो परफॉर्मेंस है वो रोहित शर्मा एज अ कैप्टनसी के अंदर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है. अच्छा. और उसकी परफॉर्मेंस में टीम बहुत जीतना चाहिए एक दफ़ा वर्ल्ड कप उसे. बट अगर देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो टीम इंडिया सबसे टॉप पे है. ठीक है, ठीक है. लेकिन बट मेरा जो दिल है कि साउथ अफ्रीका भी हर दफ़ा सेमीफाइनल्स में आती है, फाइनल फर्स्ट टाइम फाइनल तक पहुँची है. हाँ. तो वो कप जीती नहीं है, परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी है. तो दिल है कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन दिमाग ये कहता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है. तो फिर दिल के सुनेंगे कि दिमाग के सुनेंगे? नहीं, अब जो दिमाग के सुनने वाले को अक्लमंद कहते हैं और दिल के सुनने वाला हमेशा नुकसान उठाता है. सही है, बिल्कुल ऐसे है. लेकिन वो बात ये है ना, हमारी पाकिस्तानी उन्होंने तो बड़ा वो दिल डिसपॉइंट किया है, मैं डिसपॉइंट किया है. हाँ, बहुत ज़्यादा किया. लेकिन ये है कि इंडिया अपनी, इंडिया हमसे बहुत आगे है. हम इंडिया का मुकाबला करते हैं, इंडिया ने हर मैच के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. सर, इंडिया तालीम में भी आगे, इकोनॉमी में भी आगे, सियासत में भी, आईटी में भी. एग्जैक्टली. हम सिर्फ पता किस में है? हम सिर्फ बॉर्डर के ऊपर टांग ऊपर करने हैं, से ऊपर जज्बा, एटम बम. एग्जैक्टली. इसके अलावा कुछ नहीं. इसके अलावा कुछ नहीं है. सही कह रही हैं आप. मतलब हमारे पास खान साहब आए थे, यकीन करें कि मुल्क
को सही रास्ते पे चला दिया था, बट ये चलने नहीं देते। हां साहब कहते थे क्रिकेट भी बेहतर कर दूंगा, लेकिन लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड जैसी टीम को टाटा करवा दिया, खुद 171 रन बनाए। मैं कह रहा हूं इंडिया जो इस टाइम ना उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स उसको बीट नहीं कर सकती, तो इस टाइम टॉप पे है। तो वर्ल्ड कप मुझे जो लग रहा है जिस टाइम वो इंडिया है, ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगा। सर इंडिया की बॉलिंग की बात करिए, पूरा टूर्नामेंट बॉलिंग के बेस पे जीता है, बैटिंग तो इतनी चली नहीं, रोहित शर्मा ने बस बहुत अच्छे रन बनाए। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इस मैच में भी रोहित शर्मा ने 50 की है, पिछले मैच में उसने 57 और 92 की है, और वो बड़ी मतलब उसकी अच्छी मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। बट ये है कि केला रोहित शर्मा नहीं है, टीम वर्क होता है सारा। हमारे वाले तो जो एक्स प्लेयर है टीवी पे कह के कहते हैं कि इंडिया बॉल के साथ गड़बड़ कर रहा है, इंडिया को आईसीसी जो है फेवर दे रहा है, पता नहीं क्या अजीब गरीब बातें सुने। वो तो फिर बातें करनी होती है ना, आप भी कवर करना होता है, आप इतने गंदे तरह से हरे हैं, आप गंदे तरह बाहर आए हैं, तो गंदगी छुपाने के लिए इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। करना ना, इंडिया ने परफॉर्मेंस के जरिए ऊपर आ रहा है, फिर क्या ये कहते हैं इंडिया लाडला जी, इंडिया को ये आईसीसी का लाडला हो गया, आईसीसी पे पैसे लेता है इंडिया से, ये कैसे फजूल बातें, और ये हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं टीवी पे। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, लेकिन उनको पैसे मिलते हैं ना इस चीज के। रोहित शर्मा से जेलस होते हैं, वैसे कैप्टन नहीं बन पाते, और बाबर आजम की फ्री में तारीफ है। सही बात है, लेकिन देखें बाबर आजम अपनी जगह पे ठीक है, पॉलिटिक्स जब ज्यादा हो जाती है टीम के अंदर तो वो चीजें फिर गलत। अब यही टीम तो पहले जीत रही थी ना, पहले भी परफॉर्मेंस दी है, पहला जमाना था शायद जब हम बड़े छोटे हुआ करते। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने, तो फाइनल भी जीतेगी। अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना ठंडा रिएक्शन, सब प्लेयर खाना खाया रात का, खाया क्या खाया है? अभी खा के हैं, थोड़ा सा ही खाया। चले पता है क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर टीम इंडिया इस वक्त कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो क्यों, क्या वजह है? अच्छी प्रैक्टिस की है इन्होंने इस दफा, अच्छा खेले हैं, हर मैच अच्छा खेले हैं, सही हो गया, तो फाइनल भी लगता है यही जीतेंगे लगता है। चलो स्कोरिंग करो, 100 में से कितने परसेंट लगता है? 80+। आपको सर क्या लग रहा है? देखिए पहली बात तो ये कि इंडिया जीता है, जीतेगा, और आगे भी इसका ये चांस लग रहा है फाइनल में, क्योंकि अभी तक अनबीटेबल है, और लाइक डिसलाइक के अलावा इंडिया इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया जैसी टीम नहीं है, वाकई नहीं है। आई लाइक रोहित शर्मा की बैटिंग में पूरी बैठ कर देखता हूँ, तो रात दिन जीत लिया। आप उसको पहले 5 मिनट में आउट कर लें तो ठीक है, अदरवाइज उसका बैट इतना चौड़ा हो जाता है वो नहीं आउट होता, बॉल नहीं गुजरने देता किसी जगह से भी, आप उसको कैच आउट कर लें तो कर लें, बोल्ड नहीं आप कर सकते उसको। और इंडिया की बैटिंग जबरदस्त है, आखिरी प्लेयर भी उसका आगे मार जाए कोई पता नहीं, 50 मार जाए कोई पता नहीं, हर खिलाड़ी चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे लंबी जो बैटिंग लाइन है वो इंडिया की है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और सर T20 में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम भी इंडिया है। वो अकेला रोहित शर्मा 259 स्कोर मार जाता है, कह रहे रोहित शर्मा का टेरर फैला है, टोटल उतना नहीं कर सकते जितना वो अकेला मार जाता है, और माशाल्लाह उसकी जबरदस्त बैटिंग है। लाइक डिसलाइक कंट्री वगैरह इससे अगर हटके आप एज अ प्लेयर एक बात करें तो बेहतरीन है, रोहित शर्मा जैसा प्लेयर दूसरा नहीं है, नहीं है उनके उन जैसा कैप्टन भी कोई नहीं है सर, जिस तरह वो कल रोए हैं जीत पे, तो उनका रोना बनता था, डिजर्विंग था उनका, और शुरू से लेकर आगे आए। और दूसरा उनकी बॉलिंग का कमाल है, वो दहशत इतनी बिठा देते हैं कि प्रेशर से टीम लेट जाती है। अच्छा साउथ अफ्रीका इंडिया का प्रेशर ले पाएगा लगता है? साउथ अफ्रीका नहीं ले पाएगा, ये 95% चांस इंडिया के हैं, लेकिन अच्छी और खुशायन बात यह है कि फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका को फाइनल में देखा गया, वो भी एक खुशी की बात, माशाल्लाह बड़ा वो एफर्ट करते हैं, लेकिन शुरू से हिस्ट्री बताती है कि आज तक वो सेमीफाइनल तक पहुंच पाए हैं, उससे आगे नहीं आ पाए, लेकिन फर्स्ट टाइम फाइनल में आए और कम्पीट करेंगे, अच्छा एक गेम देखने को मिले तो यही बड़ी अच्छी बड़ी गेम देखने को मिलेगी। इंडिया कप भी लेके जाएगा, साथ हैंडसम अमाउंट भी लेके जाएगा। यस वो तो उनका बनता है, उन्होंने IPL पे देखे, IPL को इंट्रोड्यूस करवाया, पूरी दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड ही नहीं था, IPL से ही इंडिया की टीम बनी है, और हमें भी ये चाहिए कि हमें PSL को मजीद थोड़ा सा निखारें। सर जो IPL है और जो इंडिया के BCCI बोर्ड है वही ICC की रीढ़ की हड्डी है ना, इंडिया इस वक्त क्रिकेट में भी दुनिया में राज कर रहा है, इकोनॉमी में भी राज कर रहा है, तालीम में भी राज कर रहा है, हमारा पड़ोसी इतना काबिल है और हम सीखते कुछ नहीं है उनसे। पड़ोसी तो हमें किसी खाते में नहीं समझता, वो कहता है कि अगर किसी अमीर और गरीब की लड़ाई हो जाए ना तो अमीर साइड पे होता है, हाँ। कि मेरा ही नुकसान होना है, गरीब का क्या नुकसान होना है, इस वक्त तो हमें किसी खाते में नहीं लिख रहे, ये तो हाँ ये तो खैर एक फन के टाइप पे बात हो गई, सही बात है, हाँ। लेकिन जो इंडिया है इस वक्त वो ओवरऑल ट्रेंड कर रहा है, और अगर हम खास तौर पे क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने IPL पे इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, इस वजह से आज उनकी ये टीम इस लेवल पे खड़ी हुई है। सर वो नेशनल लीग्स ले खेलते हैं, हमारी तरह इंटरनेशनल नहीं खेलते ना। और एक बड़ी अहम बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वो
वो ये करते हैं कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आगे आएंगे। सूर्या कुमार यादव भी परफॉर्म नहीं करा तो वो बेंच पे बैठा हुआ है, इतना बड़ा प्लेयर। सही बात है। तो जो परफॉर्म करेगा वो आगे आएगा, दम होगा वो ही आएगा। मतलब क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है और ना ही फेवरिज्म है। जी ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों चीजें। दुआएं किसके साथ रही फिर? ये तो आप कुछ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की सारी दुआएं उधर चली गई इसलिए हम शुरू में ही बाहर आ गए। सारी दुआएं इंडिया के साथ, इंडिया के साथ चली गई क्योंकि साथ लगते हैं ना इसलिए उधर चली गई। साथ लगते भी है और बनती नहीं है, लगते हैं बनती नहीं है, लगती तो है ना चले सर, थैंक यू सो मच।